अस्सलाम वालेकुम गाइस, गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रॉक्स कोड एंड टेक। तो गाइस आज से हमने यह तरीका स्टार्ट किया है कि टॉपिक को बस हम कोड में रन करते भी जाएंगे और समझते भी जाएंगे कि टॉपिक है क्या। तो पाइथन का आज हमारा क्लास तो हम नहीं कह सकते, बस आज हम लूप से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से हम क्लासेस वाइज नहीं चलाएंगे, ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे और पढ़ाएंगे। तो फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। फॉर लूप में एक एग्जांपल है माय लिस्ट 1 2 3 4। अगर मैं कह रहा हूँ कि माय लिस्ट में जो नंबर्स हैं वो हैं 1 2 3 4, ठीक है। फॉर लिस्ट इन माय लिस्ट, जो लिस्ट में मैं एक नंबर, मतलब यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ लिस्ट इन माय लिस्ट, जो ये लिस्ट है माय लिस्ट में वो प्रिंट हो जाए यहाँ पर। तो ये सारा प्रिंट होना चाहिए। तो ये आपका प्रिंट, तो हमने कमेंट कहाँ पर नहीं किया, कमेंट इसको नहीं किया ताकि ये रन इस वजह से नहीं हो रहा। तो इसको हम कर देंगे कमेंट, तो ये हमारा सारी लिस्ट प्रिंट करवा के देगा 1 2 3 4। ये हमारी 1 2 3 4 प्रिंट करवा के थी। इसके बाद हमने फॉर लूप पर हमारे पास एक एग्जांपल है, तो इसको हम जल्दी जल्दी से कमेंट कर देते हैं और नीचे वाले एग्जांपल एक फाइंडिंग स्क्वायर यूजिंग फॉर लूप वाले प्रोजेक्ट पर आ जाते हैं। तो ये फंक्शन क्या करेगा, आपको ये जो नंबर्स की लिस्ट है ये सारी 1 2 4 6 11 और 20 की, इनके सारे नंबर्स के स्क्वायर हमें दे देगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर हमने बराबर किया है पहले तो ज़ीरो से, फिर हमने क्या किया है फॉर वेल इन नंबर्स, जो वैल्यू है हमारे नंबर्स के वो हमारे प्रिंट हो जाए यहाँ पर। फिर स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू इंटू वैल्यू, जो ये वैल्यू है इन नंबर्स के 1 into 1 2 into 2 4 into 4 6 into 6 11 into 11 and 20 into 20 हो जाए, तो बाद में क्या आए आंसर प्रिंट स्क्वायर। स्क्वायर ये जो नंबर्स होंगे वो हमारे डबल जो होंगे इनके वो प्रिंट हो जाएं। तो ये रन करके देखते हैं, ये रन हो चुका है, आपके स्क्वायर्स आ चुके हैं। तो ऐसे हम इस वजह से इस तरीके से हम स्क्वायर्स फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसको भी कर देते हैं कमेंट और आ जाते हैं अपने वाइल लूप पर। तो ये हो गया आपका जल्दी जल्दी से कमेंट। तो गाइस आ जाते हैं हम अपने वाइल लूप की तरफ। वाइल लूप में हमारा है नम इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद वाइल नम इज़ लेस देन 5, यानी कि एक कंडीशन है नम जो है 1 के बराबर है, ये हमने ट्रू की कंडीशन दी है, ठीक है। वाइल नम इज़ लेस देन 5, अगर नम जो हमारा है 1 इज़ लेस देन 5, ये ट्रू हो गया, ठीक है। लेस देन 5 है तो प्रिंट नम, यानी कि ये 1 प्रिंट हमारा होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो ये 1 हमारा प्रिंट हो रहा है और हमारा लूप भी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम अपने चलते हैं नीचे वाली एक एग्जांपल की तरफ, जो है वाइल लूप का एग्जांपल। नम जो हमारा बता रहा है नम इज इक्वल टू 10, नम 10 के बराबर है, फिर कह रहा है ग्रेटर देन 6, वाइल नम इज़ ग्रेटर देन 6, ठीक है। एल्स की कंडीशन भी यहां पर प्रिंट होगी, नम इज इक्वल टू नम माइनस 1, ठीक है। नम से जो नम हमारा है जो लेस ग्रेटर देन 6 है, मतलब 10, उससे एक माइनस हो, फिर नम, फिर क्या हो, लूप इज़ फिनिश्ड, लूप फिनिश हो और जो नंबर्स हमारे प्रिंट होने चाहिए वो प्रिंट हो। तो हम रन करके देखते हैं यहां पर 7 तक, ये हमारा 10 9 8 7 प्रिंट हो गया और लूप इज़ फिनिश्ड, यानी कि जो ये नम था हमारा, ये नम में से 6 जो थे, 6 नंबर से आगे जो ग्रेटर नंबर से वो माइनस हो जाए, यानी कि 7 8 9 10, ये चारों प्रिंट हो और बाद में आए लूप इज़ फिनिश्ड। तो ये था आपका लूप टॉपिक, तो आपको इस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए और मैं डिस्क्रिप्शन में सारा टॉपिक दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं।